जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज का जो मौजू है मेरा वो सोशल साइंस 10th का कला टेंथ सोशल साइंस, आज का वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी कशीरुल मकासिद मंसूबे, कशीरुल मकासिद प्रोजेक्ट। कशीरुल, अब सही बात, कशीरुल मकासिद क्या होता है? व्हाट डज मल्टीपर्पज मीन, इसका मतलब क्या है मल्टीपर्पज? मल्टीपर्पज का मतलब है जो एक कोई प्रोजेक्ट कायम करना और जो जिस प्रोजेक्ट से बहुत सारे फवायद हासिल हों, एक ही मकसद हासिल ना हो बल्कि बहुत सारे मकसद हासिल हों। खासकर अगर हम मल्टीपर्पज की बात करें, एक तरफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर, एक तरफ इससे इरिगेशन के लिए पानी, इसमें नहरें खोदी जाती हैं, इसमें बिजली तैयार की जाती है, इसमें महकमे माही परवरी के प्रोजेक्ट शुरू के काम किए जाते हैं, तो इससे पीने का पानी लोगों को मिलता है, तो इससे ज़राअत की सिंचाई होती है, इससे कारखाने चलते हैं, इससे पंचक्यां चलती हैं, तो इससे बिजली तैयार होती है। यही मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज से काफ़ी फवायद हासिल होते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने से, यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने से हमारे एक मुल्क को बहुत से मकसद हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मैंने उसकी मिसाल पेश कर रहा हूँ, यह है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। इसका दूसरा नाम है भाखड़ा नंगल डैम, इसका दूसरा नाम है भाखड़ा नंगल डैम। इसका पहले पहले बच्चों और बच्चों, इसका दूसरा नाम है भाखड़ा नंगल डैम। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कहा था, ऐलान किया था कि जो है डैम्स जो हैं, तालाब जो हैं, ये मंदिर है, एक मुल्क के मंदिर है। तो उन्होंने सबसे पहले ये इस मुल्क ज़िराअत में खुद कफील हो, बागवानी में खुद कफील हो, मुल्क की इकसारियात तरक्की की राह पर उस्तवार हो, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट का कयाम अमल में लाया। ये प्रोजेक्ट था भाखड़ा नंगल डैम। ये प्रोजेक्ट दरियाई रिवर सतलुज, पंजाब में एक रिवर है, रिवर सतलुज एंड बियास, दरियाई बियास पर कायम किया गया। बियास पर कायम किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत एक नहर निकाली गई, एक नहर और उस नहर से एक तालाब, बहुत बड़ा डैम बनाया गया है। भाखड़ा नंगल डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम दुनिया का सबसे बड़ा तालाब है, बड़ा डैम है, जो मशीनरी तैयार किया गया, जो इंजीनियरों ने तैयार किया। तो दरियाए सतलुज और बयास पर जो इजाफी पानी आता था, इससे जो इजाफी पानी दरियाओं में होता था, सैलाबी पानी या सैलाब के बगैर जो पानी होता है और दरियाओं में अक्सर, तो उस पानी को जमा किया गया, तो उससे एक नहर निकाली गई, तो उस नहर से सिंचाई भी हुई। पंजाब जो जरखेज़ है, पंजाब और हरियाणा जो जरखेज़ रियासतें हैं, लहलाते खेत वहाँ हैं, तो उस सिंचाई से वहाँ ज़िराअत को काफ़ी फ़र्क हासिल हुआ। आज भी पंजाब को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। पंजाब हिंदुस्तान को में खुराक तैयार करने वाली सबसे बड़ी रियासत, गजाई अजनास वाली जो सबसे ज़्यादा रियासत जो है वो है पंजाब है। तो एक नहर निकाली गई, इसका नाम था, जिस नहर से उस पर बिजली भी तैयार की गई, एक बिजली का प्रोजेक्ट भी, भाखड़ा प्रोजेक्ट बना। तो इससे हजारों हजारों मेगावाट बिजली तैयार हुई और करोड़ों कनाल जमीन वो सिंचाई हासिल हुई। तो इस तरह से ज़राअत को काफ़ी फ़र्क हुआ। इसके अलावा इससे माही परवरी की सनत को भी फ़र्क हासिल हुआ। तो इस प्रोजेक्ट की बदौलत हिंदुस्तान ने
ज़राअत में, जिसको एक सबक इनकलाब पैदा किया, खासकर पंजाब में, जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर ज़राअत में एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, प्रगति हुई, तो इसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया, सब्ज इनकलाब, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मुख्तलिफ किस्म की फसलें, खासकर धान, मक्की, ज्वार, बाजरा, सरसों, इसी तरह दालें, दलहन, जिनको दालें, दालों को बोलते हैं दलहन, और तेल वाले बीजों को बोलते हैं तिलहन, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में तैयार होने लगे, और इससे इतना अनाज वहाँ पैदा हुआ, इतनी अनाज सब्जियाँ पैदा हुई, कि न सिर्फ पंजाब के लोगों ने को इस्तेमाल में आने लगी, बल्कि पंजाब से बाहर दीगर रियासतों, हत्ता कि बिरूनी ममालिक में भी इनकी मांग बढ़ी, इनको दरामद किया, इनको इम्पोर्ट किया गया, इम्पोर्ट किया गया। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज मैंने जो थोड़ा सा खाका पेश किया बांकरा नंगल डैम के बारे में, और मल्टीपर्पज, ये बांकरा नंगल डैम जो है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उससे पंजाब एक जरखेज रियासत में था, पंजाब और हरियाणा जरखेज रियासत बन गई, सबसे बड़ी जरखेज, सबसे ज़्यादा ज़राअत पैदा करने वाली, सबसे ज़्यादा सब्जियां पैदा करने वाली, सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाली रियासतें बन गई। प्यारे बच्चों बच्चों, यही मेरा मोजू था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको गौर से अपने जहन में लिया।